एक वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी वायु धारा, ऑप्शन सी वायु प्रक्षोभ, ऑप्शन डी वायु गतिशीलता। इसका सही उत्तर क्या होगा? का सही उत्तर ऑप्शन सी वायु प्रक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 2, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी श्यान बल। इसका सही उत्तर क्या होगा? का सही उत्तर ऑप्शन बी अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी धरातल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धरातल। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्णों का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग नियम। का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 5, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी अपरिमित हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी भार वजन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बल सक्षयकारी बल है? ऑप्शन ए स्थित वैद्युत बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए पौड, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी डाइन। इसका सही उत्तर क्या होगा? का सही उत्तर ऑप्शन डी डाइन। क्वेश्चन नंबर 9, कच्चा आम कब खाना चाहिए? ऑप्शन ए गर्मियों में, ऑप्शन बी सर्दियों में, ऑप्शन सी बरसात में, ऑप्शन डी ठंडी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गर्मियों में। क्वेश्चन नंबर 10, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता, ऑप्शन डी निम्न तापमान। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका